क्लास आज हम फिर से नॉर्मल कल्चर के एक और लेक्चर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज बच्चों हम ना एक एक फंक्शन ग्रुप को उठाएंगे और उनकी नेमिंग एक एक करके करेंगे। मतलब सारे फंक्शन ग्रुप लेने हमें, लेकिन एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे तो सबसे पहले ना, क्योंकि लास्ट लेक्चर में कई बच्चों से बोला कि भाई कीटोन्स का आप और एग्जाम्पल दे दीजिए, तो जो कीटोन्स के नेमिंग से शुरुआत करते हैं। तो कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका बच्चों ये रहता है, या आप वहाँ इसको देख लें, और इट्स योर स्टूडेंट्स, ये कभी भी टर्मिनल पे नहीं होते, ये आप जानते हैं। टर्मिनल्स मीन्स आपके कोने में नहीं होंगे, तो बीच में कहीं पाए जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स एग्जांपल के तौर पे आप ये कभी मत सोचिए कि जो आपका कीटोन है वो ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा कीटोन के इधर और इधर दोनों साइड कार्बन होना बहुत जरूरी है, दोनों साइड कार्बन। जैसे मान लो ये कीटोन मैंने यहाँ शो कर दिया है, और आप देखिए मैंने इसके इधर CH3 ऐसे लिखा है। तो क्लास ध्यान से सुनिए, पहले आप कार्बन काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितने कार्बन हैं। 1, 2, 3, 4 चार कार्बन में उसको आप ब्यूटेन, ठीक है, प्लस में, क्योंकि आपका कीटोन है और कीटोन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है बच्चों ऑन, तो हमने यहाँ ऑन लिख दिया, तो जोड़े दोनों को तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेनो, ठीक है बच्चों। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप देखेंगे कि इधर से नेमिंग करेंगे हम लोग, नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि सेकेंड पोजिशन पे ही हमें कीटोन मिल जाएगा। तो कई जगह आप देखेंगे इसको ऐसे लिखा होता है, ब्यूटेन टू ऑन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था बच्चों, इस टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं, ब्यूटेन मतलब और कीटोन होता है उसके केस में आप टू को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी में वन रिप्लेस होता है। कि अगर एथ वन इन है तो एथीन डायरेक्ट बोल देते हैं उसको, वन हटा देते हैं। वैसे जो कीटोन में आप टू को हटा सकते हैं बच्चों, कीटोन के केस में। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए, एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नेमिंग लॉन्गेस्ट चेन तो ये रहा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप अगर आप नेमिंग इधर से करते हैं तो 1, 2, 3 नंबर यहां से करते हैं, 1, 2, 3 थर्ड पे मिलेगा, इधर से आएंगे थर्ड पे मिलेगा, तो आप कहीं से भी कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 अब लिखेंगे बच्चों 5 है तो जाएगा पेंट, लेकिन अगर तीसरी पोजिशन पे है तो 3 ऑन, लेकिन क्या आप 3 को रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि कीटोन के केस में आप 2 रिप्लेस कर सकते हैं, 3 रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कीटोन का नेमिंग कैसे करना है, पहले कार्बन काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो पेंट, थर्ड पर है तो 3 ऑन, 1, 2, 3, 4 हो गए ब्यूटेन, सेकेंड पे है तो 2 ऑन। और नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग उधर से करना है जहां से आपका कीटोन पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है इधर से नंबरिंग कीजिए, इधर से पास पड़ रहा है इधर से नंबरिंग कीजिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज आपको दिख रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन है बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैं कीटोन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नेमिंग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कीटोन का नेमिंग हो गया जो आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप ट्राई कर सकते हो CH3CO CH2CH2CH2CH3, ठीक है, तो दो है जो आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कीटोन को मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड तक के लिए इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप इस दो क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, मैं इसके आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, इसमें पेंटेन 3 ऑन लिख दीजिए और बेटर रहेगा, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन स्टूडेंट। तो जो दो नेमिंग्स हैं मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ कि वो दो नेमिंग के आंसर्स क्या होने चाहिए, आपने ट्राई कर लिए होंगे। तो CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH3 लॉन्गेस्ट चेन बच्चों, इधर से जाएंगे तो भी सेकेंड पोजिशन पे, इधर से आएंगे तो भी सेकेंड पोजिशन पे, तो आप कहीं से नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से कर देते हैं, क्या नाम होगा बच्चों, 3 कार्बन होता है, क्या लिखते हैं, प्रोपेन 2 ऑन, और हम जानते हैं 2 पोजीशन रिप्लेस हो सकता है, तो प्रोपेनॉन हो गया बच्चों, ठीक है, इसका नेमिंग तो ये हो गया। दूसरा जो आपको दिया गया था CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH2 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 CH3, अगर बच्चों इसका नेमिंग किया जाए, इस चीज का नेमिंग किया जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, आप खुद देख रहे हैं नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से कीटोन पास पड़े, इधर से पास पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने कार्बन हो गए बच्चों, 6, तो हेक्सेन, फिर
फिर सेकंड पोजीशन पे टू ऑन, फिर मैंने कहा टू हटाया जा सकता है तो ये हो जाएगा हेक्सा नॉट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप केटोन का नेमिंग कर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना केटोन का नेमिंग आपको एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसका एडवांस जो है वो 11th क्लास में बच्चों। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगला हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे लिखा हो या इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच, यहाँ भी सी डबल ओ एच, यहाँ भी, इन सब में एक ही फंक्शन ग्रुप है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग करते हैं बच्चों, कार्बन काउंट कीजिए एक है, एक कार्बन आप क्या बोलते हैं उसको, मिथेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे आप, ओइक एसिड। इक्वल्स टू में नाम बन जाएगा बच्चों इसका मिथेनोइक एसिड। बच्चों मिथेनोइक एसिड का एक कॉमन नाम भी होता है, याद रखिएगा हमेशा, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्म का मतलब ही होता है एक कार्बन, एल्डिहाइड भी देखेंगे ना फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है उसको। तो ध्यान रखिएगा बच्चों एक कार्बन तो मिथेन, देखिए बच्चों कितने कार्बन है, दो, तो सोचिए क्या होगा, इथेन प्लस ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा बच्चों इथेनोइक एसिड, जिसका एक और नाम दिया जाता है क्लास, वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां काउंट कीजिए कितने कार्बन है, सोचिए दिमाग में, खुद ही सोचिए पहले कि क्या होना चाहिए आंसर, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो तीन कार्बन में क्या बनता है सोचिए, प्रोपेन, और साथ में क्या लगेगा, ओइक एसिड। पूरा नाम लगेगा बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों ध्यान रखिए इसका कोई कॉमन नेम आपको नहीं करना है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जो चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए बच्चों कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की नेमिंग्स कर सकते हैं। अगला चलते हैं बच्चों एल्डिहाइड पर, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए ये कार्बन हमेशा टर्मिनल पे होते हैं, देख रहे हैं आपको, देखो आखिरी में, तो मतलब एक कोने में होते हैं हमेशा से, लेकिन कीटोन नहीं थे, कीटोन हमेशा बीच में होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी का ध्यान रखिएगा। तो बस अगला जो नेमिंग कर रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड, और फिर से एक टर्मिनल्स पे होते हैं, आप देख सकते हैं ये टर्मिनल्स पे कोने पे पाए जा रहे हैं। नेमिंग स्टार्ट करते हैं, कितने कार्बन है, एक, एक है तो बच्चों मिथेन, पर लगाते हैं इसके लिए अल, क्या लगाते हैं अल, ऑल नहीं बच्चों अल है, तो क्या हो जाएगा ये मिथेनॉल। एक और ना होता है बच्चों, मैंने कहा ना एक कार्बन होता है ना, जैसे वहां पे फॉर्मिक एसिड था तो यहाँ होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड, जैसे वहां पे फॉर्मिक एसिड था या फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, दो कार्बन है बच्चों, आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेन प्लस अल, अल है ठीक है ना, तो क्या नाम पड़ेगा बच्चों, इथेनल। ठीक है, और इथेनल को जैसे वहां पे हम बोल रहे थे एसिटिक एसिड, यहां बोलेंगे एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। एसिटल मतलब ही होता है बच्चों दो कार्बन, फॉर्मल मतलब ही होता है एक कार्बन, एल्डिहाइड क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, वहां पे कार्बोक्सिलिक था इसलिए उसके अकॉर्डिंग ओइक एसिड लगाया था आपने। अब जो तीन कार्बन है, तीन कार्बन का नाम सोचिए दिमाग में कितने होते हैं, तीन कार्बन का नाम क्या बोलते हैं, प्रोपेन और अल, तो क्या हो गया बच्चों प्रोपेनल। ठीक है, इसका नहीं पढ़ना आपको कॉमन नेम, यहां कितने कार्बन बच्चों, एक दो तीन चार, चार में क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन अल, ब्यूटेनल। इस तरह से बच्चों आपके एल्डिहाइड की नेमिंग्स हो गई। एल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनल्स पे होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों ये होमोलोगस सीरीज में बहुत काम आएंगे, जब मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा होमोलोगस सीरीज बड़ा काम आएगा, पहला मेंबर कौन सा है एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा मेंबर कौन है एसिटल्डिहाइड, तीसरा कौन सा है प्रोपेनल, चौथा क्या है ब्यूटेनल बच्चों। ठीक है, तो तीन आपके साथ डिस्कस कर लिए, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एक बार हम अब एल्कोहल लेते हैं बच्चों।
तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। इस ग्रुप को जब भी आप देखें OH को आप समझ जाए कि वहां पर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। नेमिंग शुरू करते हैं बच्चों। एक कार्बन हमेशा माइंड में, अब तक तो याद हो जाना चाहिए बच्चों, मिथेन। अब लगाएंगे बच्चों ऑल, क्योंकि अल्कोहल में ऑल है और बच्चों ऑल ही इसमें लगता है। पिछले वाले में अल लग रहा था एल्डिहाइड में, तो पूरा नाम रहेगा बच्चों इसका मिथेनॉल। तो ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे इसका कोई कॉमन नेम टेस्ट स्टैंडर्ड तक आप लोग नहीं पढ़ना है। इसमें कितने कार्बन बच्चों? दो। तो दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल। बच्चे इन दोनों का नाम आप खुद सोचिएगा, ठीक है? इन दोनों का नाम आप खुद सोचिएगा। मैं आपको कुछ नई चीजें बता रहा हूँ कि ये OH कई बार क्या करते हैं स्कूल में या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं OH को साइड में रख के। तो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन लेना है, नंबरिंग करना है, इधर से भी सेकंड पे, इधर सेकंड पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी करिए। तो आप इसको लिखेंगे प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन है, टू और, क्योंकि बच्चों सेकंड पोजिशन पर, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? अगर ये साइड में आने लग जाए तो नंबर के हिसाब से लगाइए, वन ऑल, टू ऑल, थ्री ऑल, फोर ऑल, जो भी है, ठीक है क्लास? तो इन दोनों का नेमिंग मेरे ख्याल से आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा बच्चों, ठीक है? और जो भी आपका आंसर हो मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर आर, ठीक है? यहाँ तीन कार्बन है, यहाँ चार कार्बन है। अब एक ग्रुप और ले लेते हैं बच्चों, हैलोजन। उसके बाद जितने भी आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी नेमिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग होमोलोगस सीरीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लास, फाइनल ग्रुप पे आ चुके हैं हैलोजन फैमिली पे स्टूडेंट्स, जिसमें आप तीन ग्रुप को पढ़ेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये प्रीफिक्स होते हैं, मतलब नाम के पहले लगाए जाते हैं। जैसे एक कार्बन है मिथेन, तो उसको मिथेन क्लोरो नहीं लिखोगे, जैसे अभी तक था ना, बाद में अल, ऑल, ओइक, ऑन, बाद में लग रहे थे, ये पहले लगते हैं। कहना क्लोरो मिथेन बच्चों, सीएल मतलब क्लोरो, एक कार्बन मिथेन, सो इसका नाम क्या होगा? बी आ रहे तो ब्रोमो, तो कितने कार्बन है? दो, इथेन, ब्रोमो इथेन। क्या नाम बच्चों? आई, आई में क्या होता है? आयोडो। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, तीन मतलब क्या बच्चों? आयोडो प्रोपेन। फिर बच्चों क्या है? सीएल, सीएल में क्या होगा बच्चों? क्लोरो। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, चार मतलब ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। हो गया बच्चों, तो आपके सारे फंक्शन को बना डिस्कस कर लिए। शुरुआत किया कीटोन से, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और बच्चों हैलोजन फैमिली। तो जितने फंक्शन ग्रुप थे आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से बच्चों आईपीएससी नॉमिनल लेक्चर को रिवाइज कर ले, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।